और वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव लालपुर और दलेलपुर में भी यमुना नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहां सैकड़ों एकड़ खरीफ फसल यमुना में आई बाढ़ की भीड़ चढ़ गई। मजबूरी का आलम यह है कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर तिरपाल में रहना पड़ रहा है। जहां निगाह डालो वहां पानी ही पानी, जिधर देखो बर्बादी की ही तस्वीरें। ये नजारा है दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव लालपुर और दलेलपुर का। यमुना में आई बाढ़ की वजह से यहां किसान पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उनकी लाखों की फसल पानी में पूरी तरह से डूब गई। कई किसानों से बात करने पर पता चला कि नुकसान की कुल कीमत करोड़ों में है। खेतों के बीच में बने मकानों से लोग यमुना का पानी बाहर फेंक कर शायद इस कोशिश में लगे हैं कि कुछ बच जाए, लेकिन यमुना के कहर के आगे सब बेबस ही नजर आ रहे हैं। यो परसों से बढ़ रहा पानी। अब कितना पानी आ गया है? अब तो जी बहुत पानी आ रहा, तो सब खेत डूबे पड़े। 6.5 किले थे जी, 4 किले गया थे, 1 किला परमल था, 1/2 किला भिंडी थी, 1/2 किला मूली थी, कुछ नहीं है जी, सब डूबी पड़ी है, सब बर्बाद हो गया। पहले बताया गया, कल बताया गया है कि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पहले कुछ नहीं बताया किसी ने। बाढ़ ने किस कदर किसानों की कमर तोड़ दी है साफ नजर आ रहा है। अंदेशा है कि अगर पहाड़ों में होने वाली बारिश नहीं थमी तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।